एक व्यूअर का क्वेश्चन है, रिमेम्बर, रिमाइंड, लर्न और मेमोराइज में क्या फर्क है, यानी कैसे समझे कि कब इनका सही इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रिमेम्बर का मतलब होता है याद होना, चाहे वो कोई आदमी हो या जानवर, परिंदा हो या जगह, या फिर किसी सामान का नाम हो। अगर आपको कहना हो कि वो चीज आपको याद है, तो आप रिमेम्बर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे उसका मोबाइल नंबर याद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर हर मोबाइल नंबर। मुझे उसका पता याद है, आई रिमेम्बर हर एड्रेस। मुझे वह बात याद है, आई रिमेम्बर दैट मैटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा कि रिमेम्बर का मतलब होता है कोई पुरानी बात या कोई पुरानी चीज जो आपको अभी तक याद है। वही बात अगर हम रिमाइंड की करें तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं मुझे कल याद दिलाना या मुझे सही टाइम पर याद दिलाना, तो यहाँ पर आप रिमाइंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे कल याद दिलाना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रिमाइंड मी टुमारो। अगर आपको कहना हो मुझे सही टाइम पर याद दिलाना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रिमाइंड मी ऑन प्रॉपर टाइम। अगर आपको कहना हो मुझे क्लास में याद दिलाना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रिमाइंड मी इन क्लास, यानी मुझे क्लास में याद दिलाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने रिमाइंड के बारे में समझा कि रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, जबकि रिमेम्बर का मतलब हुआ याद होना। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में फर्क है। अगर हम बात लर्न की करें तो लर्न का मतलब होता है किसी नई चीज को सीखना या किसी नई चीज को याद करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं रोज 10 वर्ड्स याद करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लर्न 10 वर्ड्स डेली। तो यहाँ पर याद करने के लिए मैंने बोला लर्न, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला मैं कुछ नया याद करता हूँ। तो जब कोई नई बात याद करना हो या सीखना हो तो आप कहते हैं लर्न। अपना लेसन याद करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लर्न योर लेसन। इस पोएम को याद करो, लर्न दिस पोएम। यहाँ तीनों सेंटेंस में मैंने बोला लर्न क्योंकि मैंने कुछ नया सीखने की बात किया या कोई नया चीज याद करने के बारे में कहा। आइए फ्रेंड्स अब देखें कि मेमोराइज क्या है। मेमोराइज का मतलब होता है किसी चीज को बार बार पढ़कर याद करना या रट कर याद करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस लेसन को रट कर याद कर लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेमोराइज दिस लेसन। अगर आपको कहना हो इंग्लिश ग्रामर को रट कर याद मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट मेमोराइज इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको कहना हो इस फॉर्मूले को रट कर याद कर लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेमोराइज दिस फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले को रट कर याद कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये चारों वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि रिमेम्बर का मतलब होता है याद होना, यानी कोई पुरानी बात याद होना। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, जबकि लर्न का मतलब होता है कोई नया चीज सीखना या कोई नया चीज याद करना, और मेमोराइज का मतलब होता है किसी चीज को बार बार पढ़कर याद कर लेना या रट कर याद कर लेना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।